हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 16 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 103 के ऊपर प्रेजेंट ब्लू इंक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स यानी मोशन 15, मोशन 14, मोशन 13, मोशन 12 एंड मोशन 11 यहाँ तक अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो देख कर आएँ, क्योंकि ये जो ब्लू इंक क्वेश्चंस हैं ये एक्सेलरेशन के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, और जब आपको एक्सेलरेशन का कंसेप्ट ही अच्छे से नहीं आएगा तो कैसे आप सॉल्व कर लोगे इन ब्लू इंक क्वेश्चंस को। तो मोशन 11 में मैंने एक्सेलरेशन के बारे में एक से एक चीज़ बताई है, कुछ भी पॉइंट जो है उसमें मिस नहीं हुआ है। मोशन 12 में हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर डिस्कशन की थी, और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है वो इन ब्लू इंक क्वेश्चंस में प्रेजेंट है, इसलिए आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहले से अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस में से उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। मोशन 13 में हमने सीखा कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कौन से स्टेप्स, कौन से रूल्स और कौन से प्रोसीजर्स की मदद से हम जो हैं किल कर सकते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वीडियो थी मेरी उस इस टॉपिक के ऊपर कि आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। अगर आप वो एक बारी देख लेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से आपका अटकने वाला नहीं है, आप 100% न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। फिर मोशन 15th और मोशन 14th में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे इन ब्लू इंक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर इस लेक्चर के PDF नोट्स आपको चाहिए, यानी जो सेम चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है अभी, अगर वो सेम टू सेम चीज़ आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप कहीं पे भी किसी भी टाइम पे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन किसी भी चीज़ के ऊपर इन नोट्स को उस लिंक द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से अपनी NCERT टेक्स्ट बुक्स निकाल लीजिए और ओपन कर लीजिए उन्हें पेज नंबर 103 के ऊपर, बिकॉज वी आर गोइंग टू किल द मोस्ट ईजी ब्लू इंक क्वेश्चंस। कभी भी क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं चाहिए, उससे पहले समझो, अगर उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है तो पक्का से आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। सो ब्लू इंक क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल यू से A body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration. तो question in short, हिंदी में बताऊँ तो आपसे ये पूछ रहा है कि uniform acceleration की definition बताओ और non-uniform acceleration की भी definition बताओ। तो इसकी definition हमने motion 12 जो लेक्चर है उसमें ऑलरेडी अच्छे से की हुई है, साथ ही साथ उसमें समझी भी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर में मुझे उसको दोबारा से समझाना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको एक बारी बता दूंगा कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज़ सेट टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप सभी को पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इन शॉर्ट कहूँ तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर एक्सेलरेशन आपको यूनिफॉर्म चाहिए होगा, इसका मतलब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म चाहिए होगी, एक ही बात है दोनों की। और अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म चाहिए, इसका मतलब आपको वेलोसिटी कैसी चाहिए, आपको वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म चाहिए। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम थ्रू आउट, सेम थ्रू आउट, हर एक स्पीड उसी स्पीड से उसी टाइम में सेम तरीके से चलना। सो
when an object travels in a straight line यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि velocity uniform तभी रहेगी जब direction uniform होएगा, क्योंकि velocity क्या होती है, speed with direction, तो velocity uniform तभी रहेगी जब speed uniform रहेगी और direction, तो direction uniform के लिए हमें straight line में चढ़ाना पड़ेगा, एक ही line में सीधा सीधा भाई चलता जा, मुड़ियो मत इधर उधर भी कहीं पे, क्योंकि अगर तू मुड़ जाएगा तो direction मेरी बदल जाएगी, फिर velocity बदल जाएगी, तो मुझे तू एक ही लाइन में सीधा सीधा होता चलता रहना चाहिए यूनिफॉर्म, और उसके बाद स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो जब उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज करेगी तो उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। आई होप ये छोटा सा जो मैंने आपको समरी सी बताई है समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो इसको आप डीप में समझ सकते हैं मोशन 12 में। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के एकदम ऑपोजिट टर्म जो यूज़ होता है, जो एकदम इसके खिलाफ होता है, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसका दूसरा नाम होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इसकी उल्टी डेफिनेशन लिखनी है आपने, यूनिफॉर्म की उल्टी डेफिनेशन लिखनी है नॉन यूनिफॉर्म में, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो टाइम के इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए, पर उसमें चेंज होने वाला ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वो अनइक्वल होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के जो एक्सेलरेशन है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये लेक्चर जो है इसको समझाने का लेक्चर नहीं है, समझा मैंने ऑलरेडी दिया है मोशन 12 में, ये सिर्फ आपको बताने का है कि आपने आंसर में क्या लिखना है और किस तरीके से आपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है। तो ये आपके सामने है आंसर, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, वरना इसके पीडीएफ फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है उसका। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन इजी सा समझ में आया होगा कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब सेकंड जो है वो हमारा न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ज़रूर चाहूँगा कि एक बारी मेरे कहने पे एक बारी मोशन 13 लेक्चर जो है वो देख लो। मैं ट्रस्ट करो मुझ पे, 100% गारंटी देता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने आ जाएंगे, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को देखते ही आप जो है सॉल्व कर दोगे। तो एक न्यूमेरिकल है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर्स पर आवर 260 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 seconds, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बस की जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि वेलोसिटी तो दी नहीं हुई है, स्पीड दी हुई है, तो हम क्या करें। देखो वेलोसिटी भी एक स्पीड ही होती है, बट उसके साथ में एक डायरेक्शन है वो और जुड़ जाता है। वेलोसिटी भी होती तो स्पीड ही है, बट साथ में उसके डायरेक्शन जुड़ जाता है। बट न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्शन की क्या ज़रूरत है, न्यूमेरिकल में हमें कहाँ बताना है कि वो राइट जा रहा है लेफ्ट जा रहा है, हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड है वो इन शॉर्ट वेलोसिटी ही गिवन है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर्स पर आर गिवन है, पर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स पर सेकंड्स में, और मैंने मोशन 13 लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है कि जब भी आपको किलोमीटर्स पर आर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। उसके बाद आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट हो जो कैलकुलेशंस खुद परफॉर्म कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 22.22 मीटर पर सेकेंड। सेम फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आर, इसका आंसर आएगा 16.67 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम ऑलरेडी गिवन है 5 सेकेंड्स। अब आप खुद नोटिस करो क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, इन शॉर्ट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो मैंने बताया हुआ है उसे क्या कहते हैं, उसे रिटार्डेशन कहते हैं। आंसर आपका नेगेटिव आने वाला है, अगर ना आए इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ी की है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक ही एक्सेलरेशन का खूबसूरत सा फॉर्मूला है, ए इज़ इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, उसमें वी यू और टी की वैल्यूज़ डाल दें। ध्यान रखें कि इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट में यू फिर कन्वर्जन शो करनी है, फाइनल वेलोसिटी ब्रैकेट में वी फिर कन्वर्जन, टाइम ब्रैकेट में टी। ये छोटे ये स्मॉल यू स्मॉल वी स्मॉल टी जो ब्रैकेट में लिखें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना ज़रूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। फॉर्मूले में डालो, उसके बाद तो आप खुद इंटेलिजेंट हो सॉल्व कर जाओगे, आंसर आ जाएगा माइनस
1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस आंसर इसलिए आया क्योंकि नेगेटिव शाइन जो है वो रिटार्डेशन शो कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। और हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव आता है और उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब कुछ बच्चे एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूले में हैं वो 22.22 माइनस 16.67 कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है बड़े में से छोटा माइनस करना चाहिए। क्यों भाई, ये कहाँ से क्रैम करके आए हो आप कि बड़े में से छोटा माइनस करना चाहिए? फॉर्मूला यही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपनी मर्जी से कुछ भी बड़े में से छोटा माइनस नहीं करना है। तो फाइनल वेलोसिटी 16.67, इनिशियल वेलोसिटी 22.22, माइनस करोगे यानी सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 5.55 आ जाएगा, जिसको डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा माइनस 1.11। नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन सिंस द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। आपको ये समझ में आया कि वेलोसिटी हमने क्यों लिया जबकि यहाँ पे यूज स्पीड हुआ है? लिखा तो क्वेश्चन में स्पीड है, फिर भी हम वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं? तो आपको सबको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड विद डायरेक्शन होती है। जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन को जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। बट क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डायरेक्शन को जोड़ने की ज़रूरत है? आप खुद ही देखो, बस जब चलती है और अपनी स्पीड डिक्रीज़ करती है, क्या वो डायरेक्शन बदलती है? एक बस सीधी सीधी जा रही है 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से 7 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे आ रही है, स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है, उसी डायरेक्शन में चलती जा रही है। कौन सा कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है? ऐसे करते करते थोड़ा ना स्पीड डिक्रीज़ करती है, कभी ऐसा होता है? नहीं होता, डायरेक्शन सेम ही रह रही है। इसका मतलब यहाँ पे स्पीड जो है वो वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड विद डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है तो स्पीड, तो उसको हम क्या लेंगे? वेलोसिटी। खैर इतना आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बारी दोबारा से इसको रीप्ले करके सुनो, ज़रूर से आ जाएगा समझ। तो ये था इजी सा न्यूमेरिकल जिसे हमने किल कर दिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, वो है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 मिनट्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी यूनिट्स का बहुत बड़ा झोल है, किलोमीटर्स पर आर और फिर टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। तो आपको फर्स्ट लाइन पढ़ी है, आपने फर्स्ट लाइन में कहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। ट्रेन रेलवे स्टेशन से जब स्टार्ट करती है मतलब उसकी इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? ज़ीरो थी, रुकी हुई थी ट्रेन, तभी उसने धीरे धीरे वहाँ से स्टेशन से स्टार्ट किया, धीरे 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 चली, फिर एक टाइम आया 10 मिनट बाद कि उसने 40 किलोमीटर पर आर अटेन कर लिया, तो हमें उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सिंस द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट रेलवे स्टेशन, सो वी कैन से इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट में u इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी ब्रैकेट में v इक्वल्स टू 40 किलोमीटर्स पर आर। किलोमीटर्स पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का एक छोटा सा रास्ता, मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, आंसर आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। फिर टाइम टी 10 मिनट्स, मिनट्स को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स, तो मिनट की जगह मैंने क्या लिख दिया? एक मिनट की जगह क्या लिख दिया? 60 सेकेंड्स, तो हमारे कितने सेकेंड्स आ गए? 600 सेकेंड्स। बस अब क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, v माइनस यू बाई टी। वी क्या है? 11.11, यू 0, टाइम 600, आंसर आएगा 1111 अपॉन 60000, जिसको सॉल्व करोगे आप कैलकुलेशन में खुद बहुत अच्छे हो, 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये मैंने आपके सामने सॉल्व भी कर दिया, सारा डिस्प्ले भी कर दिया और आप सभी को एक टाइम के लिए ऐसे लगेगा मुझे सब कुछ समझ में आ गया मस्त से, बट एक्चुअली मैं रियलिटी बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आया। जब तक आप ये न्यूमेरिकल्स को खुद अपने हाथ से सॉल्व नहीं करते, एक बारी नहीं लिख लेते, तब तक आपको ये समझ में नहीं आया, तब तक आपकी तैयारी इस न्यूमेरिकल के ऊपर नहीं हुई है। ये मानो आप ना मानो बट ये फैक्ट है। 2-3 दिन तक याद रहेगा बट फिर जब कोई दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा और फिर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, फिर निल, दिमाग एकदम खाली। क्यों? क्योंकि भाई खुद से तो प्रैक्टिस किया ही नहीं था, दूसरे का सुना हुआ हमने सुन लिया था। क्लास में जब आप बैठते हो तो खुद सॉल्व करके देखते हो, तो सेम अगर यूट्यूब पे बैठे हो तो खुद सॉल्व करके देखो ना।
तभी आप यूट्यूब का यूटिलाइज कर रहे हो, वरना आंसर तो सीधा बुक्स में भी लिखे होते हैं, पढ़ लिया करो। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। जब तक खुद से एक बारी सही आंसर नहीं निकाल देते तब तक कभी भी ट्रस्ट मत करना। सो दैट्स ऑल, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ से हम एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म करते हैं और अब हम ग्राफ्स शुरू करेंगे, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके इस चैप्टर का। बट हाँ, उसके लिए आपको पिछले सारे टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए, तो जिनको नहीं आते वो जल्दी से ग्रिप बना लो अपने पिछले सारे टॉपिक्स पे। वीडियोस सारी पिछले टॉपिक्स की अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे, और उसके बाद मस्त से आप ग्राफ जो हैं वो सॉल्व कर लेना। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस लेक्चर, पढ़ाई करते रहें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है, पसंद आती है, जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको लगता है कि सही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलो मेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करने वाला हूँ। एक बारी फिर से याद दिला दूँ तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।